जिसने 4 साल के अंदर 2 जवान बेटों और पति की अर्थी देखी, बचपन से लेकर शादी तक आर्थिक तंगी देखी, आज तय किया एक फूस की झोपड़ी से 340 एकड़ में फैले आलिशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर, संघर्षों से भरपूर रहा है देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सफर। जी, द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति, देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन तक के सफर में मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए, कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुई। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थी, अब उन्होंने 340 कमरों के आलिशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आइए जानते हैं मुर्मू के उसी सफर को, कैसे उन्होंने एक झोपड़ी से देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। आदिवासी परिवार में जन्म। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू था, जो कि एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुडू और सरैनी टुडू। द्रौपदी की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई, उनसे 2 बेटे और 2 बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। कॉलेज जाने वाली गांव की पहली लड़की। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वो आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुआ प्यार। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की शादी में परिवार की कई रुकावटें आई, लेकिन दोनों की जिद के आगे परिवार को झुकना पड़ा। राजनीतिक सफर। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। साल 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2009 में रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाए। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। जब एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1984 में 3 साल की छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमय मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 4 साल बाद ही मिली दूसरी झकझोर देने वाली खबर। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना साल 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी।
यहाँ कई कई दिन तक वो ध्यान करती। दो बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि साल 2014 में द्रौपदी के पति श्यामा चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामा चरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामा चरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती है। यही है मुर्मू के संघर्ष के शून्य से सफलता के शिखर तक पहुंचने की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फेसबुक पर पेज को फॉलो करना ना।